मैं मिठाई बंटवा रहा हूँ और मैं रांची के कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नगर के अध्यक्ष हैं संजय जी को मैंने मिठाई खिलाया। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ जो सच्चे कांग्रेसी हैं वो खुश हैं और जो नकली कांग्रेसी है वो नाराज हैं। आरपीएन सिंह साहब जो हैं एक मिशन के तहत कांग्रेस को बर्बाद कर दिया झारखंड में। कांग्रेस अगर आज इलेक्शन हो तो हम जीरो पे आ जाएंगे। आज कांग्रेस को आवश्यकता है कि हम फिर से मजबूत करें। अच्छा हुआ चला गया। अभी ये व्यक्ति साजिश करता था, आरएसएस का आदमी था, ये बीजेपी का आदमी था ये। और अगर हम लोग 16 सीट आए हैं तो इसमें आरपीएन सिंह की कोई भूमिका नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को, जिसने ऐसे निकम्मे आदमी पर विश्वास किया और सच्चाई सामने आ गई। आप देखिए इस व्यक्ति ने पूरे झारखंड में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमारा संगठन नहीं है, केवल गाली गलौज, डिक्टेटरशिप, अंग्रेजी हुकूमत के तहत इसने कांग्रेस पार्टी को चलाने का काम किया और चलाया नहीं, बेच दिया कांग्रेस को, लोकसभा में बेच दिया, मेरे पिताजी का टिकट काट दिया। आज वो सांसद होते पैसा लेकर, मैं गवाह हूँ, पैसा देकर टिकट दिया गया। कांग्रेस पार्टी जो उम्मीदवार था पैसा लिया उससे, एक साजिश, बहुत बड़ी साजिश रचा उसने, मेरे साथ भी गेम किया उस व्यक्ति ने, मेरे मेरिट को इसने दबा दिया पैसे के लिए बल पर। जो पैसा दिया वो पोस्ट पाया। 3 साल से राहुल जी से मिले नहीं दिया हम लोग को, आज सच्चाई सामने आ रहा है। आरोप हम पे लगाया था कि इरफान सारी भाजपा में जा रहा है, सच्चाई क्या है देखिए। आज मैं पूछता हूँ, बताइए आप लोग